बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेपर इंडस्ट्री, इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इट्स स्टेटस इन पाकिस्तान। पेपर इंडस्ट्री एक्चुअली है, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टू फेजेस। फर्स्ट वन इज पल्पिंग प्रोसेस, इन विच from the raw material pulp is is made ready to make paper। मतलब pulp से paper बनाना जाता है, तो इसलिए पहले हमें raw material से pulp बनाना होता है। pulp क्या होता है? गोदा होता है। मैं आपको एक simple example दे देता हूँ। कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें और मुंह में डाल के उसको chew करें, फिर उसके बाद निकाल लें, वो क्या बन जाएगा? वो पल्प बन जाएगा। पेपर तैयार होने से पहले बिल्कुल रॉ मटेरियल से उसी तरह का पल्प बनता है जैसे च्यू करने के बाद हो जाता है, ठीक है ना जी। अब हमें उस पल्प को जो है ना वो कैसे तैयार किया जाता है तो उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो पेपर की एक छोटी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। द वर्ड पेपर इज ड्राइड फ्रॉम द नेम ऑफ रेडी प्लांट। रेडी बड़े घास के लिए बोलते हैं, घास फूस नवा पौधे जो हैं उनके लिए। तो कार्ड पेपरस उर्दू में पोस्त, पेपरस उर्दू में पोस्त, ठीक हो गया ना जी। दतोरा भी कह दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो विच ग्रू अबंडेंटली अलॉन्ग द मार्शी डेल्टा ऑफ द रिवर। ये पोस्त के पौधे जो हैं वो आज से मतलब 3000 BC, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के भी पैदा होने से 3000 साल पहले भी ये बहुत सारा पौधा जो है वो नाइल के दरिया नील के किनारे पे जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता था। तो उस वक़्त के जो इजिप्ट थे वो इन पौधों को इकट्ठा करते थे और उनकी ना क्या कर लेते थे, उनको ना जोड़ के उनका एक जो है वो गत्ता नमा सा या समझे बेड नमा, एक बेड नमा सा उसका एक कपड़ा वो कागज सा बना लेते थे। इससे पहले क्या होता था, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर जो है वो लिखा जाता था, मैन हैज लेफ्ट इट्स हिस्ट्री on and the sign as a signs of as a signs on stones। तो बेटा जी जो है this the invention of the modern paper is credited, उसको हम credit देते हैं, शाबाश देते हैं किसको? Tus Ailun of China, Tus Ailun of China, इस आदमी, ये आदमी का नाम है, कहीं आप चाइना किसी शहर का नाम ना समझ बैठे, ठीक है ना जी। In who in 105 AD appearance of doctrine, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने के 105 साल बाद जो है उस ये तस आइलैंड ऑफ चाइना जो है उस वक्त एक सरकारी मुलाजम था, अटैच टू द इंपीरियल कोर्ट ऑफ चाइना, ठीक है ना जी, चाइना की जो शाही अदालत थी वहां पे। तो वहां पे जो है वो चूंकि ये लिखने लिखाने का काम होता था, तो इसलिए ही प्रिपेयर्ड ए शीट ऑफ पेपर, मॉडर्न पेपर जो उसने तैयार किया था जो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट टेक्निक के जरिए से, उसने कैसे तैयार किया था? यूजिंग द बार्क ऑफ मलबरी। बड़े बार्क का मतलब होता है छाल, बार्क का मतलब है छाल, दरख्त की जो छाल, मलबरी कहते हैं शहतूत, शहतूत को, ठीक है ना जी। हमारे यहाँ शहतूत तूत भी कह देते हैं हमारे यहाँ, ठीक हो गया ना जी। तो ट्री दैट वाज ट्रीटेड विद लाइम एंड मिक्स्ड विद बंबू, फिर उसको चूने में डाल दिए पहले बार को, तो जब चूने में डाल देना तो वो गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और जब वो सॉफ्ट होगी तो उस बार्क में जितना भी जो ना पॉलीसेक्राइड टाइप जो केमिकल मटेरियल होगा वो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा, वो पैक हुआ हुआ था बार के पीसेस के अंदर वो खुल जाएगा पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो इनसॉल्युबल फाइबर्स का एक सस्पेंशन बन जाएगा। तो
फिर उसके बाद उसमें मिक्स किया जी बम्बू बांस के, बांस को मिक्स करता था एंड अदर फाइबर्स टू गेट द पेपर, फिर उसको ड्राई करता था और उसको जो है वो रोलर्स वगैरह में से प्रेस करके जो है वो शीट में तब्दील कर लेता था। डेफिनेशन पेपर की, तो डेफिनेशन ऑफ पेपर इज एक्चुअली पेपर इज डिफाइंड इन द वे इट इज प्रिपेयर्ड, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की सूरत में। तो पेपर की डेफिनेशन है शीट मटीरियल, यानी एक शीट, ये एक शीट एक लेयर दिखता है मेड अप ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स, मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स। इस शीट के अंदर कुदरती सेलुलोज फाइबर्स जो हैं वो क्या हुए हुए हैं, कम जो है वो विच हैव बीन डिपॉजिटेड, जमा हुए हुए हैं, उन जमा किए गए हैं फ्रॉम एन एको सस्पेंशन, उनके पानी वाले सस्पेंशन सॉल्यूशन में से। बड़े सस्पेंशन उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रूली डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है। सस्पेंशन देखिए, याद करें हमने सॉल्यूशंस करा था होमोजीनियस मिक्सचर्स, जो सस्पेंशंस होते हैं ना, सस्पेंशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, सस्पेंशंस हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, इसमें सॉल्यूट पार्टिकल अपना फिजिकल स्टेट अपना फेज तब्दील नहीं करते, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो लिक्विड वाटर का लिक्विड स्टेट रहेगा और जो सॉल्यूट है उसका सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, ऐसे को हम सस्पेंशन कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स जी। तो द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अ नेटवर्क ऑफ, जो फिर प्रोडक्ट हासिल हुई उस एक्वा सस्पेंशन से, वो जो शीट मटीरियल, उसी शीट मटीरियल को ही क्या कह दिया गया है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरवीनिंग फाइबर्स। असल में वो शीट क्या है, उसमें सेलुलोज फाइबर्स आपस में इंटरवीवन हुए हुए हैं, वो एक दूसरे में बुन गए हैं, एक दूसरे में ट्रैप हो गए हैं, ठीक हो गया ना जी। चलें तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। रॉ मटेरियल सबसे पहले जो है, वुडी एंड नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड इन पाकिस्तान टू मेक, फर्स्ट टू मेक द पल्प एंड पेपर। पल्प मैंने भी बताया ना, पहले पल्प बनाएंगे रॉ मटेरियल से, फिर पल्प से क्या बनाएंगे, पेपर बनाएंगे। तो बड़े टेबल जो है वो आपके एमसीक्यूज के लिए है। नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स वीट स्ट्रा, गंदम के जो तने होते हैं यानी स्टेम्स जो होते हैं उनको वीट स्ट्रा, वो पाइप पाइप की तरह होते हैं, हम कहते हैं बोतल पीने के लिए स्ट्रा दे दें खाली पाइप। तो चावल और गंदम के जो पाइप्स होते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, वो मोनोकॉर्ड्स हैं। तो नंबर दो पे राइस्ट्रा, नंबर तीन पे बगास, ये भी ग्रास ही है, बम्बू रैग कोई पीसेस, ठीक हो गया ना जी। कॉटन स्टॉक छिटियां जिसे हम कहते हैं हमारी पंजाबी में, और कॉटन लिंटर जो है वो बनोले के ऊपर जो फाइबर होता है या बनोले का छिलका जो है उसको भी, काई ग्रास एंड ग्रासेस। तो बेटा जी काही कहिएगा आप, काही ना समझ लीजिएगा कि वो काई कबीला वो तुर्कियों वाला, वो नहीं है ये काई ग्रास है। अच्छा जी, वुडी रॉ मटेरियल्स पॉपुलर हार्डवुड, यूकलिप्टस सफेदा, ठीक हो गया ना जी, और डुगलस फिर जो है वो सॉफ्टवुड। ये बड़े तकरीबन ये यूकलिप्टस जो है ये है डाइकॉट है, ठीक है ना जी, और बाकी जो वो दोनों वो भी डाइकॉट है। डुगलस फिर जो है ना, फिर जो है वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, पहाड़ी इलाकों में होता है। पल्पिंग प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। तो पल्पिंग प्रोसेस जो है, इज द फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ केमिकल पल्पिंग, यानी रॉ मटेरियल को केमिकली जो है वो पल्प में तब्दील करने के तीन प्रोसेसेस हैं। नंबर वन पे क्राफ्ट प्रोसेस है, ये अल्कलाइन है, सल्फाइड प्रोसेस। नंबर दो पे ये एस्टिक है, ठीक हो गया ना जी। जबकि पाकिस्तान में और ज्यादा पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल किया जाता है वो न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। इसमें ज्यादा फिजिकली जो है वो पहले रॉ मटेरियल्स के अंदर जो नेचुरल सेलुलोज फाइबर्स हैं उनको फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, फिर केमिकल तरीके से उनका सस्पेंशन बनाया जाता है, फिर वो पल्प बना दिया जाता है, फिर उसकी ट्रीटमेंट भी केमिकली की जाती है, फिर उसको पेपर मशीन के हवाले किया जाता है। पेपर मशीन जिसमें पल्प को डालेंगे और पेपर बनाएंगे, तो वो जिक्र करेंगे। तो न्यूट्रल सल्फाइड
न्यूट्रल का एन, सल्फाइड का एस, सेमी का एस और केमिकल का सी, एन एस एस सी प्रोसेस जो है हैज कम टू वेयर इट ऑक्यूपाई द डोमिनेंट पोजिशन। पेपर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये प्रोसेस है बिकॉज ऑफ द टू एडवांटेजेस। एक तो इसमें जो केमिकल आप इस्तेमाल करेंगे वो रिकवर होता है, वो पल्प में से आप दोबारा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और दूसरा जो पल्प है उसमें नेचुरल फाइबर की स्ट्रेंथ कमजोर नहीं होती। अल्कलाइन और एसिडिक में जो नेचुरल फाइबर है वो जो है वो एसिड एंड अल्कलिनिटी की वजह से जो है वो कमजोर हो जाता है, लेकिन ये सेमी केमिकल प्रोसेस है इसलिए उस फाइबर की स्ट्रेंथ जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। तो इस तरह से फिर हम पेपर को बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो ये वो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो है NSSC जो है उसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, विच इज मोस्टली यूज इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो बेटा जी इंशाल्लाह ताला जो है वो फिर पूरा प्रोसेस आ रहा है पल्प प्रोसेस जो है इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला हम सबके मदद फरमाए, आमीन, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। तो कोई भी सवाल जरूर पूछें, शुक्रिया।